वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ ट्रेडिंग अनलिमिटेड इस लेक्चर में हम लोग एक टॉपिक के बारे में बात करने है वाले हैं बिफोर के हम उस तरफ प्रोसीड करेंगे हम अपने कैंडल्स को अलग अलग तरीके की साइज की जो कैंडल्स हैं उनको हम नेम दें आज का लेक्चर आज के लेक्चर में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं साइकोलॉजी बिहाइंड बाइंग और सेकेंड साइकोलॉजी बी एंड बाइंग और सेलिंग प्रेशर इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है कैंडल्स जो है जो बन रही थी अभी तक हमने देखा उनको प्रीवियस लेक्चर के अंदर इनके पीछे जो है साइकोलॉजी वर्क कैसे करती है आज इसका खुलासा होगा आपके सामने देखो यहां से शुरू करते हैं ध्यान से देखना है इसको सब लोग सबसे पहले किसी भी एक पॉइंट से मान लेते हैं मार्केट ये ओपन हुई हमें नहीं पता कि ओपन होने के बाद होना क्या है ठीक है मान लेते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कैंडल के बारे में हमें नहीं पता सही बोल रहा हूं मैं कि एक कैंडल अगर सिर्फ एक कैंडल पे फोकस कर रहे हैं मतलब ओवरऑल हम तो हमें नहीं पता कि अब होना क्या वाला है ठीक है लेकिन किसी ना किसी पॉइंट से तो कोई ना कोई कैंडल या मार्केट ओपन होगा राइट ओपन होने के बाद अगर मैं ये कह दूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मयूर आप बताओ अगर मैं ये कह दूं कि यहां पर बायर्स एक्टिवेट है तो क्या होगा या यहां पर अगर मैं ऐसा कह दूं रागनी या फिर बाइंग ऑर्डर्स लग रखे हैं तो क्या होगा कैंडल कैसी बनेगी ग्रीन कैंडल बनेगी ना ये कैंडल ऐसी बनती जा रही है ठीक है कैंडल ऐसी बनती जा रही है मतलब ओपन होने के साथ ही मैंने आपको ये, वा, ये वाली वाली चीज बोली कि बायर्स और बाइंग ऑर्डर्स लग गए मैंने यहां पर सेलर्स का जिक्र ही नहीं करा और यहां पर हम एक चीज मान लेते हैं डैट। यहां पर हम चीज मान लेते हैं कि इधर ना जो बाइंग ऑर्डर्स लग रखे हैं इधर जो बाइंग ऑर्डर लग रखे हैं वो लग रखे हैं मान लेते हैं फिफ्टी के के एक सेकेंड फिफ्टी के के बाइंग ऑर्डर्स लग रखे हैं यहां पर इसको हम ऐसे मान लेते हैं इसको हम दोस्तों कुछ ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर जो ऑर्डर्स लग रखे हैं दे आर ऑफ फिफ्टी के फिफ्टी के ऑर्डर्स लग रखे हैं ओके अब अगर मैं यहाँ पर मुझे एक बात बताओ मयूर अगर मैं इसका जिक्र ही नहीं कर रहा अभी तक कि यहाँ पर किसी भी तरीके के सेलिंग ऑर्डर्स हैं कि नहीं हैं अगर रागिरी में इसका जिक्र ही नहीं कर रहा कि सेलिंग ऑर्डर्स वहाँ हमें नहीं पता कि अभी तक हैं कि नहीं है या फिर नहीं दिख रहे तो इसके साथ होगा क्या स्कैंडल के साथ नहीं दोबारा नहीं मान लेते हैं कि ये वाली जो कैंडल है एक दिन की कैंडल है रागिनी ठीक है मयूर एक दिन की कैंडल है ठीक है ध्यान से इस, समझना इसलिए मैंने ये वाली क्लास रखी है ठीक है आपके इसमें सारे खुलासे हो जाएंगे जिसको पता है वो भी और जिसको नहीं पता उसकी भी रिविजन हो जाएगी हम इंडियन स्टॉक मार्केट की टाइमिंग ले लेते हैं नाइन फिफ्टीन ही बजे ओपन होती है ठीक है और अभी बारह बज गए बारह बजने के बाद भी जैद सेलर्स का या बियर्स का नामोनिशान निशान नहीं है मार्केट के अंदर इसके साथ होगा क्या इसके साथ होगा क्या और फिफ्टी के ओपन होते साथ ही बायर्स के फिफ्टी के ऑर्डर लग गए क्या ये क्या ये कैंडल कभी भी लोअर बेक बनाएगी अभी तक बारह बजे तक नहीं बनाएगी अभी तक तो नहीं बनाएगी ना अब देखो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इस पॉइंट के जाने के बाद मतलब ये बारह बज गए एक दिन की कैंडल है ये बारह बजे तक है ये जो इसका हाई अभी तक जो आपको इसका हाई पॉइंट दिख रहा है ना बारह बजे है और यहां पर हम ऐसा मान लेते हैं कि फिफ्टी के बाइंग ऑर्डर्स और और लग गए हैं का भी, भी नामों निशान नहीं है तो रागनी क्या होगा जैद क्या हो जाएगा और और जाएगी क्या मयूर हम इसको ऐसा बना सकते हैं ठीक है ये और बड़ी बन गई अब यहां पर मान लेते हैं कि जब ये वाला जो पॉइंट है ना इसका इधर तक आते आते दो बज गए हैं दो बज गए हैं अभी भी मार्केट को क्लोज होने में डेढ़ घंटा बाकी है राइट मयूर और दो बज दो जब बज गए इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर जेर वन लैख के बाइंग ऑर्डर्स फिर से लग गए अब क्या होगा और लंबी कैंडल बनेगी ऐसे बोल सकते हैं हम इसको बिल्कुल ऐसे हो जाएगी कैंडल बताओ अब हुआ क्या एक केस और मानते हैं एक केस और मानते हैं सेम बिल्कुल मान लो सेम बिल्कुल मान लो कि के एक कैंडल बनी और सेम केस है बिल्कुल बिल्कुल सेम केस है यहां पर जो टाइम है ना वो बज रहा है बज के बीस मिनट मार्केट को क्लोज होने में कितना टाइम बाकी है दस मिनट ये इंडियन स्टॉक मार्केट के हिसाब से मैं एग्जांपल दे रहा हूं ठीक है अगर हम ये बिल्कुल सेम साइज का माने तो इधर कितने बाइंग वाटर थे अगर हम सबको कैलकुलेट कर ले रागिनी तो पचास हजार तो यहां खुलते साथ ही लग गए पचास हजार प्लस पचास हजार प्लस एक लाख कितने हो गए टोटल दो लाख जैद इसके बाद हुआ क्या जैसे ही तीन बजकर इक्कीस मिनट हुए और इधर से लेकर उनतीस पीएम तक इस आठ नौ मिनट के अंदर एक चीज हुई कि यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक लाख सेलिंग ऑर्डर्स लग गए इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक लाख सेलिंग ऑर्डर्स लग गए क्या होगा इससे रागनी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक लाख सेलिंग ऑर्डर्स लग गए क्या होगा इससे मयूर यानी कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो कैंडल कुछ मुझे देखने को मिलेगी बेटा मिनट कैंडल मुझे ऐसी देखने को मिल जाएगी बताओ रागनी हाँ के ना यानी कि इसके अंदर एक नई चीज क्या आ गई सेलिंग ऑर्डर्स के लगने की वजह से आप अब मान लेते हैं मार्केट में एक कैंडल बनना स्टार्ट हुई और बनने के साथ ही इस पर्टिकुलर पॉइंट पर के सेलिंग ऑर्डर्स लग गए सेलिंग ऑर्डर्स क्या होगा इसके साथ रागनी कैंडल ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी नीचे जाएगी मूव करा इस कैंडल ने यहां तक पहुंच गई इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मयूर लग गए नाइन्टी के सेलिंग ऑर्डर अब क्या होगा और इस बार ज्यादा दिख रहे हैं तो मैंने इतनी बना दी ठीक है ठीक है ये वाली चीज अब यहां पर क्या हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मयूर माइक में म्यूट कर लो वन लैख ट्वेंटी के बाइंग ऑर्डर्स लग गए अब जैद क्या होगा लोअर क्यों बनेगी मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि अगर मैं इसको दिखाऊं रागनी मतलब ठीक बोल रहे हो लेकिन मैं एक चीज दिखाता हूं ना अगर आप ये रागनी थर्टी के प्लस नाइन्टी के कर दो तो क्या दिख लेगा ये कितना हो जाता है एक लाख बीस हजार राइट वन ट्वेंटी और क्या ये नंबर भी सेम है बाइंग ऑर्डर इतना बाइंग ऑर्डर भी इतने ही लगे हैं तो जब बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर बिल्कुल सेम हो तो हमने क्या सीखा था प्रीवियस लेक्चर से हाँ तो ये यहां तक तो आ गई थी ये यहां तक तो आ गई थी तो ये एक जिस पॉइंट पर एक सेकेंड ये कैंडल जिस पॉइंट पर ओपन हुई थी उसी पॉइंट पर आकर क्लोज हो जाएगी मतलब बिल्कुल ऐसी और क्योंकि नीचे, और क्योंकि नीचे तक होकर आई और उतना ही बाइंग प्रेशर ने इसको उठा दिया है तो क्या ये ऐसी दिखेगी क्या ये रागनी ऐसी ही दिखेगी बिल्कुल है ना अब यहां पर क्या हुआ इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पर लगे पांच लाख बाइंग ऑर्डर्स अब क्या होगा इसके साथ ग्रीन बन जाएगी ना तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं ये कुछ ऐसी दिखेगी पांच लाख पैंग ऑटर्स लगे हैं ये है। तो है, क्या मैं स्टेज थ्री में इस इसको ऐसा बोल सकता हूं कि ऐसी दिखेगी और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैं ये कह दूं कि यहां पर ऐसा मान लेते हैं फाइव लेख सेलिंग ऑर्डर्स लग गए यहां पर अब क्या होगा पांच लाख की बाइंग ऑर्डर्स थे और पांच लाख की सेलिंग ऑर्डर फटाफट लग गए यहां पर अब क्या होगा सेम हो जाएगा तो क्या ये मेरे सामने कुछ ऐसी दिखेगी रागनी बिल्कुल ये कैंडल अगर मैं इसको बनाऊं ये ऐसे ठीक है मयूर बिल्कुल सही यानी कि इससे आपको एक ट्रेडिंग ये जो बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर की जो एक साइकोलॉजी है क्या समझ में आई इससे आपको कि यानी कि अगर मैं ये कह सकता हूं कि जब तक मार्केट के अंदर अगर हमें बायर्स ना मिले या फिर हमें जब तक सेलर्स ना मिले तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्राइस का मूवमेंट रहेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डायरेक्शन मतलब या तो ऐसे या ऐसे वो सेम रहेगा अब इसको जरा देखते हैं एक और वे में यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मान लेते हैं दोस्तों सेलर्स एक्टिवेटेड है और मार्केट के अंदर कोई बायर्स नहीं है और ऐसा मान लेते हैं कि हम लोग ये जो चीज देख रहे हैं ना ये हम देख रहे हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मतलब 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं तो हरे कैंडल कितने कितने मिनट की है पंद्रह मिनट की यानी कि ये जो रेड कैंडल मैंने बनाई है कितने मिनट को दर्शा रही है कितने मिनट में कैंडल बन गई पंद्रह मिनट में अब मान लेते हैं कि फिफ्टीन मिनट्स टाइम फ्रेम पर हम ये चीज देख रहे हैं और मयूर यहां पर जो है ना वो सेलर्स एक्टिवेटेड है ठीक है और सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू है मार्केट के अंदर यानी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर यहां पर हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है बायर्स कुछ कुछ क्या मैं कह सकता हूं इस कैंडल में कह, किसी किसी पॉइंट पर बायर्स एक्टिवेट हुए हैं है ना ये कैसे कह सकता हूं क्या दिख रहा है मुझे विक विक बनी है तो उसके एक्टिवेट तो हुए हैं, है ना लेकिन ओवरऑल सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हुआ और बायर्स का नामो निशान नहीं है तो नेक्स्ट पंद्रह मिनट की कैंडल अगर बायर्स का नामो निशान नहीं है हमें पता लग गया है मान लो वैसे तो कभी होता नहीं कि मैं पता लग जाए वो भी मैं बताऊंगा कि पता लगाने का तरीका क्या होता है लेकिन कभी ऐसा किसी ट्रेडिंग ऐप पर नहीं आता कि देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कभी ज्यादा आपने देखा कि आप, आप मतलब अगर कुछ बाय कर रहे हो तो बायर्स के यहाँ पर इतने ऑर्डर लगे हुए हैं सेलर्स कितने ऑर्डर लगे हुए हैं अगर यही चीज पता लग जाए तो कभी लॉस ही ना हो राइट तो सेलिंग प्रेशर यहां पर कंटिन्यू और बायर्स का नामो निशान नहीं है अगली पंद्रह मिनट की कैंडल रागनी कैसी बनेगी रेड के ग्रीन की वो कैंडल कुछ ऐसी दिख रही है ठीक है उसके बाद अभी भी कोई बायर्स एक्टिवेटेड नहीं है नेक्स्ट कैंडल कैसी ठीक है और ये चीज मान लेते हैं ध्यान से देखना सब लोग ये चीज मान लेते हैं कि जो सेलिंग प्रेशर है ना इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर यहां तक यहां तक वो सेलिंग प्रेशर है 90 के का नाइन्टी के के यानी कि सेलिंग ऑर्डर लगे ठीक है ठीके? ऐसा मान लेते हैं अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक बाइंग प्रेशर आता है एक बाइंग प्रेशर आता है कितने ऑर्डर्स के साथ थर्टी फाइव के साथ क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ज़ेर कि ये कि ये वाली जो रेंज थी ये जो बाइंग प्रेशर आने वाला है ये इस लाइन को तोड़कर निकल जाएगा है रागनी बोल सकता हूं नहीं यानी कि इसके आधे तक ही जा पाएगा यह बोल सकता हूं क्या मैं उसके उसके भी मतलब वो तक जाएगा तो यहां पर एक कैंडल बनी कुछ ऐसी मान लेते हैं ये उसके बाद ये कुछ बनी ऐसी डन ठीक लग रहा है सही है अब रागनी इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आया यहां पर एक हम्म इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आया टी फाइव के का सेलिंग प्रेशर तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो नेक्स्ट कैंडल मुझे दिखेगी वो प्रॉपर कुछ इतनी दिखेगी ये बताओ क्योंकि तो पैंतीस के का बैग प्रेशर आया था वहीं लौटकर आ गई मार्केट बोल सकता हूं और यहां पर मान लेते कि इस पॉइंट पर नीचे अब जहां पर ये गई है कैंडल यहां पर अगेन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर थर्टी फाइव के का बाइंग प्रेशर आया तो क्या मैं बोल सकता हूं कि नेक्स्ट कैंडल जो मुझे दिखेगी वो कुछ ऐसी दिखेगी बोल सकता हूं उसके बाद इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहां पर आता है राग्नि वन लेक का ब्राइंग प्रेशर तो क्या मैं इसको ऐसा बोल दूं अब इसने इस पुरानी वाली रेंज को भी तोड़ दिया है बताओ है ना नहीं मतलब बस पुरानी वाली रेंज को तोड़ दिया मतलब ऊपर निकल गए जो ये मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है ब्लैक कलर की इससे तो ऊपर हो ही गया यानी कि हमें इससे मैं समझाना क्या चाहता हूं कंक्लूजन क्या समझ में आई यहां से हमें मार्केट के अंदर ना मार्केट के अंदर बाइंग प्रेशर विल कंटिन्यू अनटिल एंड अनलेस देयर इज सम सेलिंग प्रेशर टू इधर स्टॉप इट और रिवर्स दी डायरेक्शन ऑफ कैंडल एंड वाइस वर्षा क्या मैं ये बोल्ड स्टेटमेंट दे सकता हूं क्या मैं बोल्ड स्टेटमेंट दे सकता हूं कि हमेशा मार्केट के अंदर मार्केट के अंदर हमेशा रागनी एक अगर बाइंग प्रेशर अगर है ना तो वो कंटिन्यू रहेगा मयूर जब तक उसे रोकने के लिए किसी ना किसी अमाउंट का एक सेलिंग प्रेशर अगर ऊपर ना हो तो तब तक ये बाइंग प्रेशर अगर अगर ये चीज ना ना ये रेड लाइन ना हो तो ये मूवमेंट कंटिन्यू रहेगा राइट यानी कि अगर हम ये आइडेंटिफाई करने रागनी तो यह चीज बहुत अच्छी नहीं होगी कि इंस्टीट्यूशंस ने बल्क में कहां पर बाइंग ऑर्डर लगा रखे हैं जो कि काफी ज्यादा है सेलिंग ऑर्डर या फिर किस पर्टिकुलर पॉइंट पर इंस्टीट्यूशंस ने सेलिंग ऑर्डर्स लगा रखे हैं जो कि काफी ज्यादा है बाइंग ऑर्डर से या फिर कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जहां पर बाइंग ऑर्डर्स या तो इक्वल है या ऑलमोस्ट इक्वल है एज कंपेयर टू सेलिंग ऑर्डर्स अब ये वाला जो पॉइंट होता है ना ये वाला जहां पर बाइंग ऑर्डर्स ऑलमोस्ट सेलिंग ऑर्डर्स के इक्वल हो तो मार्केट इस इस टाइम पर ना ना ही ऊपर जाता है ना ही नीचे जाता है मार्केट एक ऐसी डायरेक्शन में मूव करता है हम आगे पढ़ेंगे और देखेंगे भी इसको इस चीज को हम लोग कहते हैं कंसोलिडेशन का फेज एंड रिमेंबर कंसोलिडेशन के फेज तक हम लोग पहुंचेंगे अपनी क्लासेस के बाद एंड दिस इज द पॉइंट जहां पर हम रिलैक्स मैनर में ट्रेड्स करेंगे एंड कंसोलिडेशन ही एक वो मार्केट होती है अगर हम कंसोलिडेशन को पहचान गए जहां पर हम ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं क्योंकि यहां पर हमें जो पैसा मिलता है वो प्रीमियम डेके का मिलता है ये प्रीमियम क्या होता है प्रीमियम अगेन पैसा के जैसे कोई भी एक पर्टिकुलर स्टॉक है कोई भी जैसे ये है मैं दिखा देता हूं आपको इसकी कीमत कितनी चल रही है अभी आईओबी की करंट प्राइस कितना है इसका ये कितना दिख रहा है रागनी है कितना दिख रहा है करंट प्राइस इसका आईओबी का करंट प्राइस जहर कितना दिख रहा है आपको ट्वेंटी टू पॉइंट एट जीरो इसका कितना दिख रहा है सेंट्रल बैंक का कितना दिख रहा है पच्चीस रुपये पैंसठ रुपए से जो है ना एक जो ये पर्टिकुलर प्राइस है ठीक है यहां पर जो है ना अगर इसी के बिल्कुल आसपास बस अगर एक पर्टिकुलर चीज घूम रही है तो वो है कंसोलिडेशन का फेस वो है कंसोलिडेशन का फेस एंड यहां पर दिस इज द बेस्ट टाइम टू डू ऑप्शन तो यानी कि इसलिए मैं आपको समझता हूं मैं क्यों बोलता हूं कि मतलब आपको बस ये चीज पहचाननी है अगर आप ये क्लासेस करके वो करो तो जो ऑप्शंस की स्ट्रैटेजीज है ना वो ऑप्शंस में कुछ रियल चीज़ या कुछ वैसे नहीं होने वाली है ऑप्शंस इज ऑल अबाउट स्ट्रैटेजीज कि अगर आपको ये पता लग गया डायरेक्शन कि यार ये चीज़ एक डिमांड और सप्लाई जोन के बीच में रहने वाला है गो फॉर इट किसने रोका है बस करना कैसे है कि उसमें पुट और कॉल के साथ करना क्या छेड़खानी वो एक स्ट्रैटेजी है बस लेकिन उसमें अभी हमें हमें अभी टाइम है लेकिन क्या आप ये आप सबको ये साइकोलॉजी वाली चीज समझ में आई अच्छे से बिल्कुल रागिनी आज एक नया खुलासा हुआ क्या आपके सामने कि जितने का बाइंग ऑर्डर और, और, और सेलिंग ऑर्डर जो लगता है अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर लो उसके हिसाब से मूवमेंट आती जाती है यानी कि रियल फाइट जो पूरी की पूरी मार्केट के अंदर चल रही है जैद वो किसके बीच में चल रही है बायर्स सॉरी सॉरी बायर्स वर्सेस सेलर्स, यानी कि बियर्स वर्सेस बोल्स इनके बीच में फाइट चल रही है तो क्या ये चीज आपको समझ में आई नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं ये जो कैंडल्स होती है कुछ इतनी कैंडल जो हमने बनाई थी कुछ ये वाली कैंडल्स भी होती जो ये बनती हैं, कुछ ये बड़ी बड़ी कैंडल्स भी होती जो ये बनती हैं और कुछ कैंडल्स जो होती हैं वो रेड कलर की हैं कुछ कैंडल्स ग्रीन कलर की हैं तो हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में इनके नेम क्या होते हैं वॉट आर द नेम्स ऑफ वेरियस कैंडल्स अब देखो नेम अगर कोई गलत भी बोलते हैं उससे बोलते है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता लेकिन कल को जब हम चार्ट पर मार्किंग करेंगे रागिनी जैद तो हमें कुछ ना कुछ तो चाहिए ना कि जैसे अगर आपने मार्क करके कुछ भेजा तो आप कुछ कुछ तो नेम दोगे ना उस चीज़ को कि सर मैंने ये ये चीज़ मार्क करा है ये जोन मार्क करा है आप ये थोड़ी ना बोलोगे सर मैंने एक मोटी वाली ग्रीन कैंडल मार्क करी है एक पतली वाली रेड कैंडल मार्क करी है एक ऐसी चीज मैंने मार्क करी सर ये कैंडल नहीं बन रही थी है ना कुछ तो नेम लिख कर भेजोगे ना मुझे चार्ट पे तो इसलिए हम अपनी सहूलियत के लिए इसको नेमिंग देंगे ठीक है क्या ये वाला लाइट सा एक लाइट सा टॉपिक था वैसे ये साइकोलॉजी बिहाइंड बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर लेकिन ये आपको चीज समझ में आई क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये इंपॉर्टेंट है आगे बढ़ने से पहले ये साइकोलॉजी आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगी जब हम आगे डिमांड एंड सप्लाई जोन जब करेंगे तब आपको पता रहेगा हाँ लेकिन बस एक चीज है एक बात याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह चीजें हमें रखनी कोई भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म या कोई भी ये चीज नहीं बता सकता कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कितने बाइंग और कितने सेलिंग ऑर्डर्स लग चुके हैं यह कोई नहीं बताता बताओ मयूर कोई बताता है क्या ये ये कोई भी चीज़ ये कहीं पर भी आती है पर्टिकुलर चीज कोई बताता नहीं है तो फिर आपके दिमाग में रग्नि यह चीज आई होगी तो फिर सर बताई क्यों रहे थे टाइम वेस्ट करने को जब हमें पता ही नहीं लग सकती जो चीज याद करो वो वाली चीज मेरी हमें बड़ी मछली जो है ये नहीं बनना है हमें इसके पीछे पीछे क्या बनना है छोटी मछली यानी कि हमारा एम क्या है मूवमेंट कह लो फुटप्रिंट्स कह लो हमें इंस्टीट्यूशन के फुटप्रिंट्स फॉलो करने ये कैसे करा जाता है ये एक राज है जो कि आने वाली क्लासेस के अंदर आपको पता लग जाएगा लेकिन मुझे आप लोग एक बात सही तरीके से बताओ क्या ये लेक्चर्स आप सबके स्मूथ जा रहे हैं आप लोग तो ओवरऑल सेटिस्फाइड हो कुछ 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 टफ या कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लग रही है कि यार मतलब बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा सर के ऊपर से जा रहा है ईजी है ना ठीक है और भी ईजी बना के चलेंगे इसको बस एक बार के लिए बस एक आ, कोई भी चार्ट खोल के एक बारी बस एक चीज देख लेते हैं एक चीज़ मैं बस क्लियर करवाना चाहता हूँ ये एक मंथ की ये एक मंथ की मंथ का टाइम फ्रेम है मैंने देखो यहाँ से जाकर ये एम दबाया या फिर आप आपको पता ना डी से डेली डब्ल्यू से वीकली एम से मंथली ये मैं मंथली पर आया क्या मैं इधर ऐसा कह सकता हूँ रागनी कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से होते हुए हालांकि कुछ कुछ हमें अलग अलग जगह पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिला क्योंकि रेड कैंडल है रेड कैंडल सेलिंग प्रेशर को तो दर्शाती है लेकिन क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर इस पर्टिकुलर पॉइंट तक पूरे यहां तक अगर ऊपर अपडेट देखो 31 मार्च 2009 से लेकर 30 नवंबर 2010 तक कॉन्टिन्यूसली बाइंग प्रेशर रहा है मार्केट के अंदर और इधर मैं ज्यादा ऐसा कह सकता हूं क्या कि जब सेलिंग प्रेशर आना शुरू हुआ तो कुछ कुछ बायर्स ने रोकने की कोशिश तो करी यहाँ पर भी रोकने की कोशिश करी यहाँ पर भी रोकने की कोशिश करी और इधर से इधर तक भी रोकने की कोशिश करी लेकिन जब बाइंग प्रेशर आया तो वो यहाँ से लेकर पूरा का पूरा इधर तक आया इसको नहीं अगर इसको नहीं लेना है तो आप यहाँ तक मान लो इसको एक सेकेंड तक continuously एक रहा, रहा रहा, मैं कह तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर एक ब्राइंग प्रेशर देखने को मिल रहा था लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला और ये चीज तो हमें मार्केट खुद बता रही है यहां से यहां तक बताओ हां ना यहां पर देखो इधर से इधर तक क्या है रागनी और यहां से यहां तक ये फिर से थोड़ा सा ऊपर गया यहां पर क्या है लेकिन उसके बाद फिर से और सेलिंग प्रेशर फिर ये ऊपर गया फिर और फिर ये नीचे आए तो सेलिंग प्रेशर उसके बाद ये जो थोड़ा सा ऊपर गया ये और ये क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं जरा एक चीज देखना जरा एक मिनट इन सबको रीज कर रहा हूं मैं ये देखना क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मयूर जैद रागनी ये वाली कैंडल ये वाली कैंडल ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल ये लगातार इसलिए बनती रही है क्योंकि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक कोई भी सेलर नहीं था इनको रोकने के लिए कोई भी सेलिंग ऑर्डर लगे ही नहीं तो ये लगातार मार्केट ऊपर 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 जाती रही है क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं और क्या मैं इधर ऐसा बोल सकता हूं कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई भी बाइंग ऑर्डर्स नहीं थे तो ये कंटिन्यूअसली मार्केट गिरती 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 चली आई है और यहां पर अगर लगे भी हैं तो जैद ये वाले ये इतने ज्यादा भारी मात्रा के रागनी बाइंग ऑर्डर्स नहीं थे कि ये रोक सके सेलिंग ऑर्डर को तो क्या थोड़ा थोड़ा गेम समझ में आ रहा है इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट कैसे फाइंड करते हैं चार्ट अपने आप बोलता है थोड़ा समझ में आ रहा है है ना कि ये रोकने में असमर्थ रहे ना यानी कि अगर जो मैं बता रहा था अगर मान लो कि यहां पर इनटी के के सेलिंग ऑर्डर्स लगे हैं तो क्या मैं इनको रागनी ऐसा बोल सकता हूं या जैद कि ये दोनों जो होंगे वो कम से कम दो लाख के होंगे ऑर्डर्स क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ दो लाख के बाइंग ऑर्डर्स होंगे नहीं अगर होते तो मार्केट यहां से ऊपर नहीं जाली जाती है कि नहीं रागनी लेकिन नहीं हो पाया तो यानी कि मैं ये कह सकता कि अगर यहां पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर नाइनटी के अगर ऑर्डर्स लगे हुए हैं तो ये वाले अगर हल्की फुल्की जो ग्रीन हमें कैंडल दिख भी रही है और ऊपर से ये जो दिख रही है कोई दमदार कैंडल तो दिख नहीं रही है मतलब यहां तक गई लेकिन ये नीचे आके गई क्लोज हो गई सेलर्स में अभी दम है है ना तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहां पर जो बाइंग ऑर्डर्स लगे वो नाइनटी के से कम ही होंगे पक्का तभी तो सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा है लेकिन क्या मैं ऐसा भी कह सकता हूं जैद कि इस पॉइंट पर आते हुए पॉइंट ए अगर मैं इसको ले लू यहां पर बायर्स ने मार्केट संभाल ली रागनी है कि नहीं संभाल ली उन्होंने क्योंकि ये यह यहां तक फिर कॉन्टीन्यूसली ऊपर गया है कह सकता हूं जैद ऐसा या फिर मैं इधर ऐसा कह सकता हूं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर यहां तक तो पूरा का पूरा सेलर सावी रहे लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर बायर्स ने मार्केट संभाल ली बोल्स यहां पर बोल्स हावी हो गए और ये यहां तक ले गए इस पर्टिकुलर पॉइंट तक लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जाने के बाद सेलर्स एक्टिव हो गए और उसके बाद यहां तक लेकर आए ये बीच में जो सेलर हावी होने की कोशिश कर रहे थे रागिनी क्या मैं कह सकता हूं कि इनके सेलिंग ऑर्डर बाइंग ऑर्डर थे ज्यादा थे जबकि मंथली की कैंडल है यानी कि एक एक कैंडल देख रहे हो जरा जायद रागनी मयूर कि एक एक कैंडल एक एक मंथ की यानी कि ये एक मंथ की कैंडल ये एक मंथ की कैंडल ये एक मंथ की कैंडल ये भी लेकिन पूरे महीने क्या ये जो एक साल तक ये देखो ऊपर ऊपर देखना लिखा आएगा अरे, अरे यार यहां इसको ऊपर देखना यहां ये लिखा आएगा ये देखो इकतीस मार्च 2009 से लेकर 30 नवंबर 2010 तक ऑलमोस्ट क्या मैं ये कह सकता हूं कि डेढ़ साल तक मतलब ये बाइंग प्रेशर रहा है कैनरा बैंक में और ये जो बीच में ये जो पूरे के पूरे हमें उसमें जो देखने को मिली भी हैं ये चार महीने में जो प्रेशर देखने को मिला है सेलिंग प्रेशर लेकिन वो बाइंग ऑर्डर से ज़्यादा नहीं लगा पाए क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या मैं ये बोल सकता हूँ मयूर कि अगर यहाँ पर पाँच लाख बाइंग ऑर्डर्स लगे थे तो रागनी क्या मैं ये बोल दूँ कि यहाँ पर दस लाख लगे थे बताओ सेलिंग ऑर्डर्स नहीं ना क्या मैं ये बोल दूं कि यहां पर सेलिंग ऑर्डर जो थे वो छह लाख लगे थे लेकिन क्या मैं यहां पर बोल दूं कि यहां पर जो सेलिंग ऑर्डर थे वो सिर्फ दस हजार या तीस हजार थे हाँ है ना तभी तो ये कंटिन्यू रहा है रैली लेकिन क्या मैं ऐसा बोल दूं कि यहां पर कम से कम तीन लाख सेलिंग ऑर्डर लगे हैं तभी तो नीचे है क्या मैं यहां पर यह बोल दूं कि बायर्स ने फिर से यहां पर एक लाख के ऑर्डर लगा दिए लेकिन क्या मैं यहां पर ऐसा बोल दूं कि सेलर्स ने यहां पर डेढ़ लाख के सेलिंग ऑर्डर्स लगा दिए क्योंकि ये इस जोन को भी नीचे तोड़ गया ब्रीच करके देखो ये इस बारी सेलिंग प्रेशर यहां तक आया है ना उसके बाद क्या मैं ऐसा बोल दूं कि यहां पर जो बाइंग ऑर्डर्स लगे वो फिर से एक लाख के लगे ये ऊपर तक गई लेकिन यहां पर आपकी वह जो सेलिंग ऑर्डर लगे वो दो लाख के लगे क्योंकि इस जोन को इस वाले जोन को भी तोड़ दिया है ना गेम समझ में आ गई पूरी पूरी की पूरी। बस ये छोटी सी हिंट हिंडी डोंट वरी अभी आप ये सोचोगे कि ऊपर ऊपर से बताइए ऊपर ऊपर से इसलिए बताइए क्योंकि अभी हम चार्ट में आगे नहीं घुसे नहीं है अभी हम डीप है ना अभी हम बच्चों की तरह पहले प्रॉपर ड्राइंग बना बना के सीख रहे हैं सारी चीजें क्योंकि हमारे लिए एबीसीडी है ना बचपन में कभी किसी ने पढ़ाया तो है नहीं इसके बारे में तो हम वैसे ही सीखेंगे जैसे हाथ पकड़ के बचपन में एबीसीडी सिखाया गया हमें क्या ये डिस्कशन सबको समझ में आई अच्छे से ठीक है तो इस डिस्कशन में फिलहाल लेते हैं थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे कैंडल्स के नेम